दोस्तों सोनी ब्राविया ये एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है सोनी की तरफ से। आज हम एक ऐसा स्मार्ट टीवी देखने वाले हैं जहां पर आपको इनबिल्ट वूफर मिल रहा है, जो कि मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी बात है, साथ में आपके लिए सरप्राइज भी है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आपको बॉक्स मिलता है सोनी ब्राविया और यहाँ पर इसके कुछ की फीचर्स मैंशन किए गए हैं। 32 इंच का ये टीवी है। यहाँ पर बॉक्स पे इसका प्राइस मैंशन है 2790, बट ये टीवी अमेजोन पे 2590 में अवेलेबल है और आप इस टीवी को ऑफलाइन मार्केट से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। साथ में कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे ये टीवी आपको मिलेगा। इसके बेजल्स दोस्तों काफी कम है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और अगर साइड से थिकनेस हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर बहुत कम है। ये टीवी आता है मैट फिनिशिंग के साथ और आपको साइड में कुछ जरूरी पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB पोर्ट्स, 2 HDMI, साथ में हेडफोन जैक भी है और आपको ये पोर्ट मिलता है केबल टीवी लगाने के लिए। बाकी बैक साइड पे आपको ऑडियो वीडियो पोर्ट्स मिलते हैं और आपको यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है। चलो अब हम टीवी ऑन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप ये टीवी ऑन करोगे तो आपको सब सेटअप करना पड़ेगा। अब पहले हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये टीवी अब इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, साथ में ये कुछ और ऑप्शंस भी आपको मिल रही हैं। चलो जल्दी से हम सेटअप कंप्लीट करते हैं। अब ये टीवी ऑन हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं रिमोट पे आपको यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के लिए डेडिकेटेड बटन मिलता है। सीधे आप बटन प्रेस करके यूट्यूब को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, और ऐसे ही नेटफ्लिक्स ऐप। इन ऐप्स में स्विच करना भी बहुत ईजी है इन बटन्स की मदद से। यह है YouTube का इंटरफेस। यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग सेक्शन भी शो हो रहा है और दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी लैग नहीं है। अब अगर हम होम स्क्रीन देखते हैं तो यहाँ पर आपको Netflix और YouTube दोनों की रो मिल जाएगी, मतलब आपको यहाँ पर रिकमेंडेड वीडियो शो हो रही हैं, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही सही है। उसी के नीचे वो ऐप्स हैं जो कि आपको इसमें इनबिल्ट मिल रही हैं, Netflix, Amazon प्राइम वीडियो, YouTube, सोनी लिव, जी, वूट, बालाजी, यप टीवी। कंटेंट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आने वाले टाइम में आपको और ऐप्स का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है मीडिया का। अगर आपने अपने टीवी के साथ पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव कनेक्ट की हुई है तो वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, या अपने मोबाइल का कंटेंट आप टीवी पे स्ट्रीम कर पाएंगे USB केबल लगाकर। नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जितनी भी यूजफुल सेटिंग्स होती हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि पिक्चर्स, यहाँ से आप कलर्स या ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है साउंड, जो कि इसकी मुझे सबसे बेस्ट लगी है। आगे हम ऑडियो प्ले करेंगे। इसमें सब सेटिंग्स बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और आपको यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन भी मिलता है, अपने फोन की स्क्रीन आप टीवी पे इजीली कास्ट कर सकते हैं। अब मैं ऑडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। मुझे ये चीज बहुत सही लग रही है, यहाँ पर कोई भी लैग नहीं है, सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है। इसकी ऑडियो क्वालिटी को लेकर 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहले आप ये ऑडियो सुन लो, फिर हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में। अब मैं आपको ज्यादा नहीं सुना सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ दोस्तों शायद आपको म्यूजिक का उतना आइडिया नहीं लगा होगा, क्योंकि जो माइक है वो पूरी तरह से बेस और म्यूजिक को कैप्चर नहीं कर पाया। मैं आपको इतनी बात बोल सकता हूँ, जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी है। इसमें आपको जो स्पीकर्स मिल रहे हैं उनके साथ आपको अलग से साउंड बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पहला पॉइंट यही है कि इसमें आपको इनबिल्ट वूफर मिल रहा है, बहुत ही अच्छी और डीप बेस आपको मिलती है। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर क्लियर ऑडियो प्लस टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिससे क्या होगा, डीप बेस के साथ साथ वोकल्स भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मतलब चाहे आपको म्यूजिक सुनना है या फिर मूवीज देखनी है, दोनों काम ये परफेक्टली कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो मैं यहाँ पर बहुत इंप्रेस हुआ हूँ इसकी पिक्चर क्वालिटी देखकर। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट मिल रहा है और इसमें एक्स रियलिटी प्रो पिक्चर इंजन यूज किया है सोनी ने, जिसकी मदद से क्या होता है, जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही क्लियर और ब्राइट मिलती है, और साथ में जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ बहुत ही सुपीरियर पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रही है इसमें। ये डिस्प्ले है HD रेडी, 720p रेजोल्यूशन के साथ ही आता है, लेकिन HDR की वजह से जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत ही परफेक्ट आपको देखने को मिल रही है, और जो कलर्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं। ब्लैक भी डीप ब्लैक है और कंट्रास्ट भी बहुत सही है। और इसकी खास बात है, अगर आप इसको साइड से देखोगे तो भी आपको परफेक्ट कलर और ब्राइटनेस देखने को मिलेंगी।
अगर हम रिमोट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये फुल रिमोट मिल जाएगा। इस रिमोट की खास बात है कि ये सिंगल रिमोट आपके टीवी और सेट टॉप बॉक्स दोनों को हैंडल कर सकता है। यहाँ इस रिमोट पे आपको सेट टॉप बॉक्स के लिए अलग से बटन मिलता है। तो मुझे ये फीचर्स बहुत ही सही लगा, आपको कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्विक सर्च का ऑप्शन भी मिल रहा है, यहाँ से आप जो कुछ भी सर्च करोगे तो वो आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कंटेंट भी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने टीवी से पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव कनेक्ट की हुई है तो अब आप यहाँ से जो कुछ भी सर्च करोगे या आपको ऑनलाइन के साथ साथ आपकी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में से भी सर्च करके दिखाएगा। देखो मैंने यहाँ कुछ सर्च किया तो ये आपको यूएसबी ड्राइव में भी दिखा रहा है और ऑनलाइन भी शो कर रहा है। तो ये भी मुझे बहुत ही सही फीचर लगा। कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, आपको यहाँ पर वाईफाई और एथरनेट पोर्ट तो मिलता ही है, साथ में यहाँ पर यूएसबी थिएटरिंग का भी ऑप्शन है, मतलब यूएसबी केबल लगाकर आप अपने मोबाइल का डेटा टीवी पे भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ आपका मोबाइल भी चार्ज होता रहेगा। बाकी इसके अलावा आपके पास हॉटस्पॉट का तो ऑप्शन है ही। अब अगर हम बात करते हैं सरप्राइज के बारे में तो ये तीन प्रोडक्ट्स आप जीत सकते हैं, दो है सोनी के नेकबैंड ईयरफोन्स और एक है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और एक कमेंट करना है आपको #किस्मोज्ञान लगाकर। तो आप जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो, हो सकता है आप ही विनर बन जाओ। तो ये आपको मिलता है सोनी का स्मार्ट टीवी इनबिल्ट वूफर और HDR सपोर्ट के साथ। आपको ये टीवी कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।